अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां नगर क्षेत्र से बहने वाली कोलार नहर रात्रि में अचानक टूट जाने से हजारों गैलन पानी बह गया। वहीं किसान द्वारा कई बार नहर की साफ सफाई व क्षतिग्रस्त होने के बारे में अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के चलते देर रात नहर टूट गई और हजारों गैलन पानी बह गया। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि इस बात की सूचना जब SDO जल संसाधन विभाग को दी गई तो उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं करने के चलते किसान को भारी नुकसान हो गया। वहीं अनुभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया और वहीं नहर को बंद कराया और नुकसान की भरपाई किसानों की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अफसर वाहन छोड़कर भाग निकले। क्या मामला है ये, पूरा क्या मसला है? ये जो नहर फूटी है ये लापरवाही नहर विभाग की है, अधिकारियों की लापरवाही है इसमें। इसको पहले हमने सचेत भी कर दिया था कि सफाई जब हो रही थी कि इसमें सफाई नहीं हो रही, सारा कचरा कूड़ा जा करके नहीं नहर की शटरों में रुकेगा, नहर फूटेगी, हमारा ही नुकसान है, शासन का नुकसान है। आखिर कोई नहीं परवाह नहीं की, कल की तारीख में, कल 11 तारीख थी, दिन शुक्रवार था, कल हमने शाम के टाइम पर SDM साहब को फ़ोन किया कि भाई ये नहर वो खतरे के हिसाब से बह रही है, ये नहर फूट सकती है, फूट जाएगी कुछ ही पलों में, समय में। और वो आखिर उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया कि आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप जाके सुबह भी 6 बजे फ़ोन लगाया तो 11 बजे वो लोग आए। अब हमारी फसलों का नुकसान हो गया, सब बोया हुआ खेत बह गया, मट्टी बह गई, फूट गया। इतनी बाढ़ में भी कभी नहीं होता ऐसा नुकसान जितना ये नुकसान अभी हुआ हमारा। इसमें कितना महंगा खाद, हमने खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, कैसे हमने खाद उपलब्ध कराया, बीज लाए, बोया, अब उसके बाद में ये ज़मीन मैंने लेबलिंग कराई थी, इसमें 30,000 रुपये का खर्चा आया था। इसको ब्लेड से बराबर करा था, इसको हल्का सा खेत का रेला था, इसको बराबर करा था मैंने। और उसके बाद 4 डंफर मिट्टी मैंने 2,500 डंफर में डलवाई थी, अरे 30-40 हज़ार रुपये लगाया था, पूरा खेत फूट डाला। किसानों की ज़िंदगी के साथ, किसानों की खेती के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, यह किसानों की लाशों पर राजनीति कर रही है। आलम आप देख सकते हैं, मेरे खेत के में फसलें पूरी बह गई है, ये नहर फूट गई, जबकि कोलार परियोजना में व्यापक पैमाने पर मेंटेनेंस के नाम पर, सफाई के नाम पर पैसा आता है, लेकिन कोलार जैसी बड़ी परियोजना में बिना नहर कचरा साफ किए हुए, आप देख सकते हैं बिना कचरा साफ किए हुए नहर छोड़ दी गई, कोई मेंटेनेंस नहीं किया। जो क्षतिग्रस्त नहरें थी, टूटी फूटी थी, उस पर पानी छोड़ दिया। आप देख सकते हैं हजारों इतना पानी यहाँ से बह गया है और मेरे खेत की दो बोरे गेहूँ की बोनी पूरी भी गई है और खेत में नदी बन गई है। मैं शिवराज सरकार को इस कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं और ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसमें अधिकारी व्यापक पैमाने पर फर्जी बिल लगाकर मेंटेनेंस के नाम पर, क्षतिग्रस्त नहरों के निर्माण के नाम पर, कागजों पर नहर बनाकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। क्या कदम उठाए जाएंगे प्रशासन? नहीं, इसमें मैंने स्वयं संरीक्षण किया है और जैसा आप बता रहे हैं कि नहर तो टूटी है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वो जो नहर जहाँ से टूटी है वो नाले, वहाँ पे प्राकृतिक नाला था, उससे पानी निकल रहा है और वो अब बंद भी हो गया। और रही बात 3-4 जो किसानों को नुकसान हुआ, उनको हम लोग आर्थिक सहायता देंगे और संबंधित विभाग को तत्काल नहर ठीक करने हेतु कहा गया है और मेरे द्वारा इस संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया